ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 26 जनवरी 2024 कैसा बीतेगा और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। कल का जो पंचांग कहता है वो माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी और प्रतिपदा तिथि जो रहेगी वो रात्रि 1:20 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र जो कि शनि के नक्षत्र में उसमें गोचर करेंगे प्रातःकाल 10:28 तक। उसके बाद बुध के नक्षत्र आश्लेषा में गोचर करेंगे। प्रीति योग का निर्माण 7:42 प्रातःकाल तक है। उसके बाद आयुष्मान योग का निर्माण होगा। बालवकरण 12:19 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद कौलवकरण प्रारंभ हो जाएगा। कल चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कल का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आर्थिक स्थिति में कुछ मुश्किलें भी अकस्मात आ सकती हैं और परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। जीवन साथी को लेकर कोई निर्णय आप ले सकते हैं। कार्य व्यवसाय में पहले की अपेक्षा कम लाभ प्राप्ति होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर मनमुटाव भी अकस्मात उत्पन्न हो सकता है और किसी प्रकार के किए गए निवेश में आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से चल रही कोई बड़ी परेशानी समाप्त होगी। कुल मिलाकर कल का दिन 78% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए गरीबों में अगर अन्न दान करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। अब हम वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी पहले के रिस्पेक्ट में ठीक रहेगा। आर्थिक रूप से किसी कार्य को करने में आप सक्षम रहेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हालांकि लगा रहेगा। कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेम प्रसंग में मधुरता बनी रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ कल के दिन मिल सकती हैं। पारिवारिक संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर 82% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 6, शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें तो दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल आपका दिन मिला जुला रहने वाला है और कार्य व्यवसाय में कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ निर्णय भी आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगा रह सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। शिक्षा को लेकर थोड़े गंभीर अगर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में जो माहौल रहेगा वो आपके पक्ष में रहेगा। लंबे समय से चला रही किसी भी समस्याओं से आपको राहत कल के दिन मिलता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर 82% तक आपके लिए भी दिन अच्छा है और कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए ज़रूरतमंदों की सहायता कल के दिन अवश्य कीजिएगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले की अपेक्षा आप प्रसन्न रहेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल जो रहेगा वो बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। जीवन साथी की सहायता भी आप कल के दिन कर सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी बहुत प्रबल है और प्रेम प्रसंग में परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय आप कल के दिन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के निवेश से कल के दिन बचना चाहिए और मानसिक रूप से किसी बात को लेकर आप चिंतित भी कल हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 79% तक आपके फेवर में रहेगा। कल का शुभ अंक 7 और जो शुभ रंग है वो हरा बन रहा है। उपाय के लिए हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पर बूंदी के लड्डू अगर आप चढ़ाते हैं तो दिन आपका अति उत्तम बीतने वाला है। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन आप किसी बात को लेकर उदासी महसूस कर सकते हैं।
परिवार में आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा हालांकि मजबूत हो सकते हैं, लेकिन खर्च पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा खर्च कल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जीवन साथी को लेकर थोड़े भावुक भी हो सकते हैं। आर्थिक रूप से कोई परेशानी हालांकि नहीं आएगी। कार्य व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंग में रिश्ते जो रहेंगे वो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। ट्रांजैक्शन करते समय आपको बहुत सावधानी बरतना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार का फ्रॉड या नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर कल का दिन 83% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 8 और शुभ रंग सफ़ेद बनता है। उपाय के लिए शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कीजिए तो कल का दिन अच्छा बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है। पारिवारिक जीवन हालांकि सुखमय रहेगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी कल के दिन प्राप्त होगा। अचानक से किसी कार्य को लेकर खर्चे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्य व्यवसाय के लिए कल का दिन जो रहेगा वो सामान्य रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में रिश्ते जो रहेंगे वो मजबूत होंगे। निवेश के लिए कल का दिन अति उत्तम रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 76% तक आपके लिए अच्छा रहेगा और कल का जो शुभ अंक है वो 1 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए बुध देव की अगर आप आराधना करते हैं तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके लिए भागदौड़ से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर की गई लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। साझेदारी में किए गए व्यापार से लाभ मिलने की संभावना भी कल के दिन दिख रही है। जीवन साथी के साथ कुछ पल व्यतीत आप कर पाइएगा। परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है और पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना भी हो सकती है। प्रेम प्रसंग में रिश्तों को लेकर थोड़े हालांकि आप भावुक रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको कल के दिन प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 82% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए, दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। शुभ समाचार प्राप्त होंगे और स्वास्थ्य को लेकर सारी चिंताओं से मुक्त रहने वाले हैं। कोई नई संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं जो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए भी समय अच्छा है। जीवन साथी से अपने दिल की बात को कहने से आपके बीच में जो परेशानी चल रही है वो खत्म होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने को मिलेगा जिससे समाज में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग में रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्रों के प्रति अत्यधिक रुझान बढ़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल 76% तक का दिन आपके लिए शुभ है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए माँ दुर्गा के चरणों में लाल पुष्प अर्पित कीजिए तो दिन अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपका सामान्य से अच्छा बीतने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। साझेदारी में किए गए व्यापार में अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। जीवन साथी से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति में कुछ मुश्किलों के बाद लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यर्थ के खर्चों से मन जो रहेगा थोड़ा चिंतित भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग के में निराशा कल के दिन मिल सकती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में हालांकि उत्तम सफलता मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों को ज़्यादा समय ना दे पाने के कारण मन जो है थोड़ा उदास रहेगा, लेकिन फिर भी कल का दिन 81% तक अच्छा ही रहेगा। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग जो है वो पीला बन रहा है। उपाय के लिए कल गरीबों की कुछ भी सहायता अगर आप करते हैं, ब्राह्मणों को अगर आप दान करते हैं तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब हम बात करेंगे अगले लग्न के लिए, मकर लग्न। देखिए, कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण बात पर डिस्कशन हो सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय में सभी आपके कार्य से प्रसन्न रहने वाले हैं।
रक्तचाप या मधुमेह से पीड़ित जातकों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की कल जरूरत पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में कहा जाए तो जीवन साथी आपके व्यवहार से प्रभावित रहेंगे और प्रेम प्रसंग को लेकर आप किसी दुविधा में भी कल के दिन पड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। धन संचय करने के लिए आवश्यकता से अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 90% तक अच्छा रहेगा, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। और कल का शुभ अंक 5, शुभ रंग गुलाबी है। चंदन और केसर का अगर आप तिलक लगाते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, परिवार में सदस्यों से मनमुटाव होने की संभावना बनती है। आमदनी के क्षेत्र में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता जरूरी है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में अकस्मात कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यवसाय में पदोन्नति होने की संभावना भी दिख रही है। जीवन साथी के साथ घूमने की योजना आप बना सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद होने की भी संभावना कल के दिन बन रही है। आपका ध्यान शिक्षा से हट कर किसी और कामों में लग सकता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर 79% तक आपका दिन अच्छा रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। देखिए, कल का दिन ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय में अधिकारी वर्गों का आपको सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। आय के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। प्रेम प्रसंग में पहले की अपेक्षा रिश्ते जो हैं मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की अभी भी आपको आवश्यकता है। घर में शुभ कार्य होने से पारिवारिक जीवन जो रहेगा वो सुखमय रहने वाला है। निवेश के लिए समय अच्छा है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का जो दिन रहेगा 85% तक अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए 5 तरह के अनाज को मिलाकर अगर पक्षियों को खिलाते हैं तो कल का दिन आपका अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के।